हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपिसोड 51 ऑफ कैप्स। इस कैप्स का जो टाइटल है वो बहुत कॉमन टाइटल है, जिसके बारे में कई बार आपने सुना होगा, हमने भी बातें करी हैं, लेकिन आज कुछ ऐसे मेथड्स बताने वाला हूं जो आपके टुमारो सिंड्रोम को ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। टुमारो सिंड्रोम इज लाइक प्रोक्रास्टिनेशन, कि हम किसी भी चीज़ को अगर आज कंप्लीट नहीं कर पाते तो हम ये कोशिश करते हैं कि इसको हम कल पे डालेंगे, कि यानी आज ये पूरा नहीं हुआ काम ये कल पूरा करेंगे। सो दो तीन ऐसे फैक्टर्स और हैबिट्स मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आप अगर प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करेंगे तो सर्टेनली आप रियलाइज़ करेंगे कि विद द प्रैक्टिस ऑफ 2 to 3 weeks आपका ये टुमारो सिंड्रोम या प्रोक्रास्ट करने की हैबिट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, आपकी वर्किंग स्पीड इंक्रीज हो गई है, कि आपने जो टारगेट प्लान किया वो कंप्लीट होने के बाद भी डेली आपका टाइम बचना शुरू हो जाएगा। माई डियर स्टूडेंट, हमारी ह्यूमन बॉडी ट्रेनेबल बॉडी है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। हमारी बॉडी में इनॉर्मस एबिलिटीज़ होती हैं, इतनी कैपेसिटी होती है कि अगर किसी चीज़ के लिए ट्रेन किया जाए तो हम बहुत जल्दी बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं, जो शायद एक ह्यूमन माइंड की पावर है, हम जज भी नहीं कर सकते। अभी हम वापस आते हैं अपनी जेई या नीट की प्रिपरेशन में। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टारगेट्स बहुत सारे हैं, आज मुझे इतनी एक्सरसाइजेस फिजिक्स में कंप्लीट करनी है, इतना केमिस्ट्री में करना है, लेकिन प्रैक्टिकली दिख रहा है कि वो पूरा नहीं हो पाएगा। सो पहली हैबिट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप ये कोशिश करें शाम होते होते, या कई बार दोपहर होते होते हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि सुबह से लेकर दोपहर तक का टाइम बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहा है और शायद शाम तक ये टारगेट पूरा नहीं होगा। सो आप दोपहर में ही एक काम करिए, आप जितना एक टाइम फिक्स कर लीजिए दोपहर में, एक काम करिए कि जितना आपके पास टारगेट है उसमें से कुछ चीज़ें 2 दिन बाद पे शिफ्ट कर दीजिए, कल पे कभी मत कीजिए शिफ्ट। आप कोशिश कीजिए कि टुडे इज 23rd of October, दैट मींस आज 23rd October को अगर ये काम मैं नहीं कर पाऊँ तो मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज़ें उठा के अपनी डायरी में शिफ्ट करनी है। मैं 25th या 26th अक्टूबर को करूँगा, 24th को नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप आज की चीज़ कल पे डालेंगे तो आप ये मान चलिए आप कभी अपने कल को शेड्यूल नहीं कर पाएंगे, हमेशा आने वाला कल आपका ऑक्यूपाइड रहेगा। सो टुमारो सिंड्रोम से बचने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप 2 दिन बाद पे डालिए। कोई चीज़ इतनी अर्जेंट या इंपॉर्टेंट नहीं होती जो कि कल पे ही करना ज़रूरी है, क्योंकि जो अर्जेंट या इंपॉर्टेंट है, हाई प्रायोरिटी टास्क है, वो तो सुबह सबसे पहले आपने कंप्लीट कर ही लिए होंगे। सो जितनी भी बाकी टास्क हैं उनको 2 दिन बाद पे डालिए, उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, शेड्यूल कीजिए। आप खुद रियलाइज़ करेंगे आज शाम होने से पहले आपका काम खत्म होने लगेगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपको डे टाइम में आफ्टरनून में एक बार अपने शेड्यूल को देखना कि आज रात तक मुझे क्या करना था। जब भी आप अपने शेड्यूल को रीप्लान करें, चीज़ों को आगे शिफ्ट करें, तो एक कुछ सेकेंड का ब्रेक लेके बहुत डीप ब्रेथ लीजिए। 4 या 5 जब आप डीप ब्रेथ लेंगे तो आप ये मान के चलिए आपके ब्रेन में हाई ऑक्सीजन सप्लाई होती है, आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं, और साथ ही आपने क्योंकि अपना शेड्यूल भी शिफ्ट किया है तो रिलैक्सेशन बढ़ेगा और अपनी एनर्जी के साथ वापस से कंटिन्यू कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा तरीका है जो आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट्स को बहुत जल्दी ओवरकम कर देगा, और आप 2-3 या 4 वीक में ये रियलाइज़ करेंगे कि आपको चीज़ों को आगे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और अपने डे शेड्यूल में बहुत ज़्यादा चीज़ें डालना शुरू कर देंगे। और फिर जब ज़्यादा चीज़ें होंगी तो डे टाइम में, क्योंकि आपको एक बार अपना एनालिसिस ज़रूर करना है कि आज शाम तक मेरा टारगेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उनमें से कुछ चीज़ों को आगे डालेंगे, तो क्योंकि डायरी में आप सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं, बिना शेड्यूलिंग के बिना राइटिंग के आप प्रॉपर अपने प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। सो जब ये होता रहेगा सो आपकी टाइम मैनेजमेंट एबिलिटी बढ़ती जाएगी, प्रैक्टिस एबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, आपकी वर्किंग स्पीड बढ़ेगी। सो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इस एपिसोड में कवर नहीं करना चाहूँगा। जो मेथड मैंने अभी आपको बताया वो एक ऐसा मेथड है जिसको ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि प्रोफेशनल लेवल पे भी जब इंप्लीमेंट किया जाए तो इसके बहुत पॉजिटिव और प्रोडक्टिव आउटपुट मिलते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली विद डीप ब्रेथ व्हेन यू शिफ्ट अप समथिंग टू द शेड्यूल कमिंग अप, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो और आफ्टर 2 days, तो वो चीज़ें आपको अपने आप को रिलैक्स करती हैं और ओवरऑल आपके अंदर फ्रेश एनर्जी बढ़ती है आज के दिन को यूज़ करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि दिन भर की चीज़ें करते करते हम टायर्ड होने लगते हैं, वो टायर्डनेस दोपहर में आप इस स्लॉट से हटा सकते हैं, चाहें तो इवनिंग में सोने से 3-4 घंटे पहले शाम को 5-6 बजे के टाइम एक बार और रिकैप कर सकते हैं, और रात को सोने से पहले अपने अगले दिन का शेड्यूल को प्लान कीजिए ताकि उस शेड्यूल को आप कोशिश करके फॉलो करें। सो टुमारो की जगह चीज़ों को अगर आप 1 दिन या 2 दिन बाद पे शिफ्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट सर्टेनली बेटर होगा। प्रैक्टिकली दिस नॉट पॉसिबल फॉर मैनी कि आज का काम आज ही सारा खत्म हो जाए, अगर होने लगा है तो आप मान के लिए आपको और ज़्यादा चीज़ें जोड़नी है ताकि उसको आने वाले टाइम में
शिफ्ट किया जाए और आपकी स्पीड बढ़ाने की प्रैक्टिस की जा सके। लेकिन कल का दिन आपको फ्री रखना है और कोशिश करना है कल का जो टाइम स्लॉट है उसको मोर देन 90% हम अचीव करें। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप ये जो टुमारो सिंड्रोम ओवर करने की मेथडोलॉजी आप इसको फॉलो करेंगे एंड लाइफ में आप मान के चलिए कि बहुत सारी चीज़ों में ये मेथडोलॉजी आपकी हेल्प करेगी। जो भी लॉन्ग टर्म गोल पे आप काम कर रहे हैं आपको सक्सेस अचीव करने में दिस मेथडोलॉजी विल हेल्प यू अ लॉट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।